अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 14 है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ताहिर नज़ीर, ताहिर आर वाई के मैथमेटिक्स से आपके साथ हाजिर है। सबसे पहले हमें इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेट्स सपोज इक्वेशन का तो हमें पता है, जैसे जिसमें इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो साइन एक्स इक्वल्स टू -3/2, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें साइन एक्स इन्वॉल्व है। तो सेकेंड थिंग है कि सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसका मेथड क्या है कि द सेट ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो भी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या होंगी? इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उसमें क्या होते हैं? इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। वो क्यों? ड्यू टू पीरियोडिसिटी, कि फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है उसमें, जब डेफिनेशन करते हैं पीरियोडिसिटी, वो कितनी बार रिपीट हो रही है, इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रही होती हैं। तो उसको सोल्यूशन के लिए हमने क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं? तो स्टूडेंट, उसके लिए हमें पहला पॉइंट ये है कि जब सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, फाइंड द सोल्यूशन ओवर द इंटरवल हुज लेंथ इक्वल टू इट्स पीरियड। सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जिस इंटरवल पे हम उसका फाइंड करें वो किसके इक्वल आना चाहिए? उसके पीरियड के। जैसे साइन कॉस का होता है, वो क्या ले रहे हैं हम? 0 से 2 पाए। सेकंड में है कि अगर एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेश फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे तो हमने पहले क्या करना है? कन्वर्ट उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेंटीज लगा के हमने उसको सिंगल फॉर्म में स्टूडेंट्स लेकर आना है हमने। देन हमने स्टूडेंट्स उसको जो थर्ड पॉइंट है, अगर तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो फाइंड कर रहे हैं बोथ साइड पे स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो उससे हमारे क्या होगा? एक्सट्रेनियस रूट्स भी आने का चांस है। तो वो जो आंसर निकले होंगे हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे कि आया कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये 3 पॉइंट स्टूडेंट्स हमने रिमेंबर करने हैं। तो जी, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 14 का। तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है कि साइन एक्स किसके इक्वल है? -3/√2। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं। हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 4 होते हैं, एक फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर थर्ड, और फिर फोर्थ। तो सब में फर्स्ट में क्या होता है? ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव। थर्ड में टेन पॉजिटिव, और सी फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो हमने कुछ यहाँ पे फॉर्म चेंज करनी है, तो हमें तो पहले पता होना चाहिए साइन किस क्वाड्रेंट में प्लस होगा या माइनस होगा। तो रेफरेंस एंगल हमने फाइंड करना है पहले। तो स्टूडेंट्स, इसका उसके लिए हमने साइन एक्स दिया हुआ है -3/√2। तो देखना है कि हमारे पास रेफरेंस एंगल कितना बन रहा है। स्टूडेंट्स, जब हम रेफरेंस एंगल की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस एंगल में साइन की वैल्यू किस पे होती है? √3/2। माइनस नहीं लेंगे पहले, तो वो हमारे पास वैल्यू होती है स्टूडेंट्स π/3, यानी कि 60 पे। फिर हमने ये देखना है जो साइन आ रहा है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। स्टूडेंट, साइन नेगेटिव होता है हमारे पास फर्स्ट, थर्ड में, एंड किस में होगा? थर्ड और फोर्थ में। तो इसका मीनिंग है, यानी कि वैल्यू सेकंड में किस में आएगी साइन की? वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में। लेकिन जब थर्ड एंड फोर्थ में आएगी, फर्स्ट में आएगा तो आंसर थीटा ले लेंगे, सेकंड में लेंगे तो आंसर क्या आएंगे? π − √θ। ये आपको याद करने पड़ेंगे। फोर्थ में क्या आएगा? तो थर्ड में आएगा तो 180 + √θ। फोर्थ में आएगा तो स्टूडेंट्स 2π − √θ, हम इसका
थीटा लेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो साइन आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो किस किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा हमारे पास, एक तो आएगा थर्ड में क्वाड्रेंट में, और दूसरा किस में आएगा स्टूडेंट्स? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इनमें हमें वैल्यू लेकर निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड को में जब वैल्यू आएगी तो स्टूडेंट्स उसका हमारे पास फार्मूला क्या आएगा? एक्स इक्वस टू, पहले जनरल फार्मूला राइट कर लेंगे, 180 प्लस रेफरेंस थीटा। अब स्टूडेंट्स जब हमने ले रहे हैं 180, और जब रेफरेंस हमने निकाला हुआ है पाई बाय 3 है, तो स्टूडेंट्स इसका जब एल से हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4π/3। नाउ स्टूडेंट्स फिर बात किसकी करनी है हमने? फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या फार्मूला होगा? 2π - रेफरेंस थीटा। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए फिर वैल्यू जो हमारे पास है 2π, और जो रेफरेंस थीटा आ रहा है वो क्या लेंगे? π/3। फिर स्टूडेंट इसके एलसीएम लेंगे, 3 2 6 आएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? 5π/3 आएगा। इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आ गया वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4π/3 और 5π/3। ये क्वेश्चन वन का हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन बना। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है कॉसिकेंट थीटा इक्वल्स टू टू। तो कॉसिकेंट की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास निकालना मुश्किल है, तो उसको हम क्या करेंगे? कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है हमारे पास? 1/sin थीटा के। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया, बोथ साइड पे रेसिप्रोकल ले लिया। जब हमने साइन थीटा ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/2। इस बार साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो साइन जब रेफरेंस थीटा देखेंगे विदाउट प्लस और साइन नेगेटिव, तो वो हमारे पास क्या आएगा? π/ स्टूडेंट्स कि क्या कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी? π/6 यानी कि 30 पे। तो अब दो क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, साइन किस किस में पॉजिटिव होगा? साइन थीटा इज पॉजिटिव स्टूडेंट्स, किस किस में पॉजिटिव होगा? एक होगा फर्स्ट में और एक होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोनों में आंसर हमने निकालना है। अब स्टूडेंट जब फर्स्ट में आंसर, सेकंड में आंसर निकालेंगे या फर्स्ट में? फर्स्ट में तो हमारे पास आंसर आ गया, वो हमने थीटा निकाल लिया, वो हमारे पास क्या निकला है? π/6 स्टूडेंट्स। अब बात रह गई हमारे पास किस पे निकालने की? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 180 रेफ प्लस हमने कहा था क्या वैल्यू लेंगे स्टूडेंट उसमें हम? हाँ जी, उसमें हम लेंगे स्टूडेंट्स 180 और प्लस, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे हमने क्या डिस्कस किया था? क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? होगा माइनस 180 माइनस रेफरेंस और थीटा। तो डेट्स वाई जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स 180 और रेफरेंस थीटा आ रहा है हमारे पास π/6, तो स्टूडेंट्स ये आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5π/6। तो इस तरह से हमारे पास क्या सॉल्यूशन बन गया स्टूडेंट्स? π/6 और 5π/6। ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इस चैप्टर से स्टूडेंट्स। दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पंजाब बोर्ड के एग्जाम में, और एक एमसीक्यूज हर बार आता है इसमें से, तो इससे आपने बहुत अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स जब थर्ड पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे, तो वहां पे दिया हुआ है हमारे पास सीकेंड एक्स इक्वल्स टू -2। तो स्टूडेंट सीकेंड की हमारे पास वैल्यू जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास सीकेंड हमारे पास है कि नहीं। हाँ जी, अब सीकेंड की वैल्यू जो स्टूडेंट हमारे पास है, तो सीकेंड हमारे पास क्या होता है? 1/ स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉस होता है हमारे पास। अब कॉस को हम रेसिप्रोकल लेंगे बोथ साइड पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस एक्स, और इधर आके क्या आएगा? -k 1/2।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस की वैल्यू किस पे 1/2 होती है, वो रेफरेंस एंगल आएगा हमारे पास विदाउट ये माइनस, तो वो होती है हमारे पास 30 यानी 60 पे पाए बाय 3। अब जो कॉस होता है वो दो कॉलम में पॉजिटिव होता है और दो में नेगेटिव होता है, किस किस में हमने लेते हैं, ए में फर्स्ट में सारे और यहाँ पे कॉस, तो ये कौन सा का बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये कौन सा बन रहा है फोर्थ। और जब रेफरेंस एंगल हमने लेना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, थीटा फर्स्ट में लेना है हमने कहा था, और फोर्थ में हमने क्या लेते हैं मोस्टली 2π माइनस रेफरेंस थीटा। तो स्टूडेंट्स जब इसकी वैल्यू हमारे कहा था कि ये तो आ रही है माइनस में, अब जब सेकेंड में आएगी तो सेकेंड में क्या था साइन और फोर्थ में क्या था टेन, तो फर्स्ट में तो दोनों प्लस वाले आ गए लेकिन यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव का, तो इधर हम क्या लेंगे फिर 180 माइनस रेफरेंस थीटा, और इधर क्या लेंगे स्टूडेंट्स 180 हाँ जी प्लस रेफरेंस थीटा फोर्थ में। तो इसलिए स्टूडेंट जब हम इसकी वैल्यू निकालें कि तो कॉस हमारे पास लिख लें, कॉस इज नेगेटिव हाँ जी कॉस इज नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए जब थर्ड में वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर फार्मूला क्या लगाएंगे हम इसको, 180 प्लस रेफरेंस थीटा। तो इस तरह से थर्ड में जब वैल्यू आएगी हमारे पास तो वो क्या आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 180 प्लस पाई बाई 3, तो क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट्स ये 4π/3। जब फोर्थ में वैल्यू सॉरी थर्ड सेकेंड में वैल्यू आएगी तो क्या आएगा 180 माइनस रेफरेंस थीटा, तो इस तरह से क्या आएगा 180 माइनस पाई बाय 3, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा ये 2π/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 4π/3 और 2π/3। स्टूडेंट्स इसका हमारे पास हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया इसका। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो पार्ट है वो रह गया फोर्थ वाला, वो कौन से किसके इक्वल दिया हुआ है हमारे पास, कॉट किसके इक्वल दिया है 1/√3 के। स्टूडेंट्स तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉट को ले सकते हैं 1/10, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1/√3। अब बोथ साइड पे अगर हम रेसिप्रोकल लें तो यहाँ पे हमारे पास हाँ जी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा 10 थीटा और इस साइड पे क्या आएगा √3। तो 10 पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे इसका जो रेफरेंस थीटा स्टूडेंट्स आएगा वो हमारे पास 10 के लिए क्या बन रहा है हमारे पास रेफरेंस थीटा, रेफरेंस थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स बन रहा है हमारे पास पाए बाय 3। अगर आपको ना याद रहे कैलकुलेटर तो इसका मतलब आप कोशिश करें कि इसको मैनुअल करें, कि जब भी इंट्री टेस्ट वगैरह होगा तो वहाँ पे आप मैनुअल करना होगा, तो फौरन माइंड में आना चाहिए साइन कॉस की अक्सर याद होती है, तो साइन 60 पे क्या था 300/2 और कॉस की क्या थी 1/2, दो कैंसिल तो ये आ गया √3। अब टेन किस किस में पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो हमने देखना है, तो टेन होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और किस पे होता है ये फोर्थ में, तो टेन हम लिखेंगे टेन जो आ रहा है पॉजिटिव का किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है एक तो आ रहा है फर्स्ट में और किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब हम किस किस में आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट में निकालेंगे और एक थर्ड में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हम निकालेंगे आंसर, तो फर्स्ट में हमारे पास तो जस्ट क्या आ गया हमारे पास ये जो थीटा था इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, वो तो π/3 ही आ गया स्टूडेंट्स। अब जब हमने निकालना है इसको आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 180 प्लस रेफरेंस थीटा, तो इस तरह से हमारे पास 180 प्लस रेफरेंस थीटा क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 4π/3। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट हमारे पास आंसर आ गया, बट इसको सॉल्यूशन सेट में आपने राइट करना नहीं भूलना, क्या आ रहा है π/3 और स्टूडेंट्स 4π/3। तो
स्टूडेंट्स आपने कमेंट करना है, आपने इंशाल्लाह आपको बाकी पार्ट्स भी इसके जो हैं वो करवाए जाएंगे। ताहिर नज़ीर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, कमेंट करें और ये लेक्चर को स्टूडेंट्स शेयर भी करें।